माशाल्लाह ये 10 ट्रे भाई ने रखी हुई है अपने हाथ में। तकरीबन 22 साल से हम काम कर रहे हैं ये, और इस जगह पे मौजूद 9 साल हो गए। इसके अंदर अंडा मिक्स किया जाता है माशाल्लाह से। आप रश चेक करें, एग की जो कोटिंग लगी हुई है देखिए, 200 वाली ट्रे है ये, के ऊपर ये फ्लेवर मसाला है। क्या बात है भाई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसीबुर रहमान और इस वक्त हम मौजूद हैं लांडी 3 नंबर पे, Area 2B। ये रास्ता थोड़ा सा इनका टिपिकल है, इसलिए हम इसकी लोकेशन मैप पे भी देंगे। ये जो रोड आप देख रहे हैं ये सीधा कॉर्नर पे हबीब बैंक है, और उससे थोड़ा सा और पहले जाएंगे तो अवध है। यानी कि आप अगर जुबली स्नैक की तरफ से आ रहे हैं तो पहले अवध पड़ेगा, अवध हॉस्पिटल। उससे थोड़ा सा आगे आप चलेंगे तो आपके राइट हैंड पे हबीब बैंक आएगा, वहाँ से आप टर्न कर लें तो सीधा ये चिप्स अड्डे पर आ जाएगा। ये चिप्स अड्डा है और यहाँ पर फ्राइज़ की काफ़ी कंपटीशन है, यहाँ बहुत सारे फ्राइज़ वाले हैं और लोग बहुत दूर दूर से फ्राइज़ करने आते हैं। आपको यहाँ कम से कम 8-10 फ्राइज़ वाले मिलेंगे और सब कंपटीशन पे काम कर रहे हैं। यही वजह है कि इनकी वैरायटी काफ़ी अच्छी होती है, और इसकी ख़ास बात यह है कि ये अंडे वाले फ्राइज़ होते हैं, इन फ्राइज़ के अंदर अंडा वगैरह ऐड किया जाता है। और यहाँ पर देखें पार्सल का इंतज़ाम मौजूद है, जो पहले से रनिंग की वजह से इसके अंदर चटनी वगैरह पैक की गई है, चटनी मसाले वगैरह। ये इनकी मसाले की प्लेटें वगैरह तैयार हो रही हैं। ये मसाला है, ये मसाला इनका ख़ुद तैयार करता है, और इस मसाले में कई किस्म की चीज़ें यूज़ की जाती हैं, उसके बाद भून के मसाला तैयार किया जाता है। इसके अलावा ये इनका रायता, इस पर अंडे को फेंटा जा रहा है फ्राइज़ के लिए। ये फ्राइज़ हैं, इसके अंदर अंडा मिक्स किया जाता है, और उसके लिए उसके बाद ये इसे फ्राई करना शुरू कर देते हैं। ये इसमें क्या आपने कौन सा मसाला है? फ्लेवर मसाला है। इस वक्त मौजूद है असलम भाई के साथ, जो यहाँ के ऑनर हैं और इनके बेटे यहाँ का काम संभालते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं काम को कितना अर्सा हो गया? भाई तकरीबन 22 साल से हम काम कर रहे हैं ये, और इस जगह पे मौजूद 9 साल हो गए। ये काम कौन संभालता है? ये काम मेरे बच्चे हैं, सब मिलजुल के करते हैं। ये मसाले जो बनाते हैं कौन बनाते हैं? ये मसाले हम खुद बनाते हैं घर पे कूट के, इसको बाजार की कोई चीज इसमें नहीं है। इसमें तकरीबन अल्लाह झूठ ना बोलाए तो कम से कम 9 चीज़ें इसमें शामिल है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? खैरियत से? भाई ये बताएं ये फ्राइज कब से खा रहे हैं? हमें तकरीबन 2.5 से 3 साल हो गए इसको। तो टेस्ट वाइज कैसे? टेस्ट है तभी तो 3-4 सालों से ही आ रहे हैं। ये जो क्रिस्पी है ना, इसके सबसे मेन वजह यही है, हम इधर बार बार आ रहे हैं इसकी क्रिस्पी और मसालों की वजह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वकास भाई कुछ बताएं अपने बारे में। सर ये हमारा है चिप्स अड्डा, लांडी बावर मार्केट के बैक साइड पर है, UC 18 के बिल्कुल सामने। और इस काम के अंदर हम लोगों को हो गए हैं 20-22 साल। अंडे वाली फ्राइज़ हैं, बहुत मशहूर फ्राइज़ हैं, चिप्स अड्डे के नाम से मशहूर है। सर मसाला तो 12-13 मसालों से मसाला बनता ही है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई मसाले के अंदर सर, और जो खाता है इसको माशाल्लाह तारीफ़ ही करके आता है। और एक इसमें खूबी है, ये मसाला हाजमा करता है। यार हमारी टाइमिंग है 5 से 12, कर रहे हैं 4 भाई। भाई कितने हैं टोटल? टोटल हम हैं 8 भाई, 4 यहाँ काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया सर। भाई ये देखें कि ये फ्राइज़ जो है रेडी हो गए, और किस तरह से इस पर एग की जो कोटिंग लगी हुई है देखिए, 200 वाली ट्रे है ये, आप दिखा सकते हैं आपको। इसके ऊपर ये फ्लेवर मसाला है,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह करम सर। भाई प्राइस के बारे में बताएं, प्राइस कैसे? माशाल्लाह बहुत अच्छी है। फर्स्ट टाइम खाए आपने? नहीं, मैं यहाँ पे अक्सर आता हूँ खाने। अक्सर आते हैं जी? क्या खास बात है? नहीं, असल में जायका अच्छा है यहाँ का, मसाले वगैरह में आलू वगैरह सब सही है, चिप्स मज़े की हैं यहाँ की। माशाल्लाह से आप रश चेक करें, और ये अभी लोग आने से भी स्टार्ट हुए हैं, इसी तरह हर वक्त इनका फुल रहता है, और बल्कि यहाँ जो सीटिंग अरेंजमेंट है ये भी फुल हो जाता है, ये भी सीटिंग अरेंजमेंट है, और जो लोग फैमिली के साथ आते हैं उनके लिए थोड़ा दूर अरेंजमेंट किया हुआ है। ये सब बड़ा अच्छा है, बड़ी दूर से आते हैं हम यहाँ पे। मसाले कैसे लोग मसाले के बारे में कहते सर? बहुत ही ज़बरदस्त है, इनकी मसाले की वजह से चिप्स अच्छी लगती है हमारे को। और ये जो अंडा इसमें डाला होता है, ये कैसा लगता है अंडा? अंडा बड़ा क्रंची लगता है, बड़े दूर से खाने आते हैं इनके पास हम, इसी वजह से कि चिप्स इनकी अच्छी होती है। भाई चार ट्रे इनके हाथ में, और ये पाँचवीं ट्रे जो है ये निकाल रहे हैं। भाई पांच हो गई हैं, छठी ट्रे जो है इनके हाथ में, माशाल्लाह भाई सातवीं, आठ, माशाल्लाह से भाई ये नवी ट्रे जो है ये इनकी हो गई है। ये दस ट्रे भाई ने रखी हुई है अपने हाथ में। फाइनली हमारे फ्राइज रेडी हो गए, अभी हम सब ट्राई करेंगे। बहुत ही गर्म हो रहे हैं। ये इसका मसाला, ये बहुत ख़ास मसाला है। ये रायता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या बात है भाई, इस पे जो ये एग की कोटिंग है इस वजह से ये बड़ा क्रंची हो जाता है। क्या बात है, देखिए मसाला, स्पाइसी मसाला, मसाला हम ऐड करेंगे इसके ऊपर। ये फ्राइज तो हर कोई बेच रहा है, लेकिन असल बात है इनके मसालों की। थोड़ा रायता, क्या बात है भाई, मज़ा आ गया, बहुत ही बेहतरीन मसाला है।